नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 8 जनवरी है और सब लोगों को गुड आफ्टरनून बोल के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग मेरा चैनल में नए हो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके साथ साथ वीडियोस को सब जगह में शेयर कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम में हो सिर्फ जाके सर्च कीजिए नॉलेज आईक्यू टीवी और मेरा चैनल को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों आज का जो मेन इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है वो है दोस्तों, तब पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो मीटिंग किए थे और गवर्नमेंट एश्योरेंस के साथ भुवनेश्वर और कोलकाता में जो मीटिंग हुआ था 20 और 23 सितंबर 2021 में, और उस मीटिंग में बोला गए थे आईबा पार्क ने बोला कमेटी ने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दिए है, लेकिन आईबा पार्क ने श्री नवीन कृष्णायन जी को, मतलब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको एक चिट्ठी लिखा है राज्यसभा ऑन पार्लियामेंटरी कमेटी को। आखिर कब तक, आपने तो रिपोर्ट सबमिट कर दी है लेकिन आखिर कब तक हमारे जो पेंशन अपडेशन है वो अप्रूवल होना चाहिए और जल्दी से जल्दी कब अप्रूवल होगा। दोस्तों इसमें एक चीज मैं बताना देना चाहती हूँ, जितने भी रिटायरीज फेडरेशन है और उसके साथ साथ जो रिटायरीज है वो खुद जाके कोशिश करे, लेकिन दोस्तों आपको सुन के हैरानी होगा, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, AIBA UFBU के साथ साथ जितने भी और यूनियन मेंबर है उन्होंने अभी तक एक भी सर्कुलर नहीं निकाला है पेंशन अपडेशन के लिए। सुन के भी बहुत बुरा लगता है। दोस्तों ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ने आखिरकार कोशिश किया और राज्यसभा को जो ऑनरेबल मेंबर है श्री ए नवीनारायण कृष्णन जी को एक लेटर लिखा है, स्टडी टू विजिट कमिटी टू भुवनेश्वर एंड कोलकाता ऑन 20 सितंबर एंड 23 सितंबर 2021 इन रिगार्ड टू रिक्वेस्ट फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन इन बैंक्स। आखिर कब तक, आपने तो विजिट किए थे कमिटी मेंबर के साथ साथ कोलकाता और भुवनेश्वर में, और उसके साथ साथ आपने बोला था आप लोग कमिटी ने रिपोर्ट भी सबमिट करने वो भी आपने कर दिए थे, लेकिन अभी तक पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। इसी बीच पत्र में बहुत सारे चीज लिखा है ऑल इंडिया बैंक पेंशनर और रिटायरीज कन्फेडरेशन ने, उसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिया है और जो पेंशन एक्ट रेगुलेशन आइन है, मतलब जो लॉ है वो भी इसमें अटैच कर दिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी कदम फिनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल DFS नहीं उठाए। तो आखिर कब तक ऑनरेबल FM पेंशन अपडेशन का इशू को देखेंगे और उसके बाद हमारे जो बहुत दिन पुराना पेंशन अपडेशन है वो कब पूरा होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, हम लोग वेट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू।